आपको दिल से दिल लगा हो, लेकिन वहां पे दिल का आपको नहीं होगा, ठीक है, कैंसर भी नहीं फैलेगा, बट ये जरूर आपको इन्फेक्शन आएगा। और मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आज की तारीख में एमडीआर बहुत ये है, उसके लिए कोई दवाइयां इनकी काम नहीं कर रही है, सारे फेल हो गए, बड़े से बड़ा इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं तो वो भी फेल है, और उस हिसाब से बॉडी खुद अब अपने आप से उस शरीर से लड़ना चाहिए, ऑटो इम्यूनिटी आ रही है, वो पेशेंट को ऑटो इम्यून में लेके जा रहा है, जबकि वो नहीं जाना चाहिए, बट उल्टा हो रहा है, क्योंकि वहां पर बॉडी को जो है सपोर्ट ही नहीं दे पा रहे, बॉडी को सपोर्ट ही नहीं दे पा रहे। और इसके आंकड़े आप देखोगे तो इतना खतरनाक आंकड़े है, आई थिंक सो के एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब आप सायन हॉस्पिटल से लेके केम हॉस्पिटल से लेके कहीं पे भी आप जाओगे तो एक पर्टिकुलर वहां पे आपके लिए ट्यूबर प्रोसेस का डिपार्टमेंट अलग से बनाया है, देखा है ना आपने टीबी के लिए। और बीच में एनडीआर को लेके वगैरह भी काफी उसके ऊपर रिसर्च करके उन लोगों ने उसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करने की कोशिश की कि आप साफ सुथरा रहें, पॉल्यूशन वगैरह को नहीं फेस करें, अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, खाना पीना अच्छा खाए, ये सारी चीजें। ओके, डायबिटीज क्या कहना है इसके बारे में, कितने लोगों को है आज की तारीख में जानते हो, 10 में से 6 से 7 लोग जा रहे हैं। ये डायबिटीज की जब बात करें तो देखिए आपका जो डायबिटीज के पहले, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आपका ब्लड वेसल ऐसा रहेगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, उसके अंदर ग्लूकोज भी दिखेगा, खुराक भी दिखेगी, लेकिन जब हाई हो जाएगा तो ये जो है आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है ग्लूकोज करंट है और खून की मात्रा। अब इसके आने वाले सिम्टम्स क्या है, प्याज बढ़ेगी, कुछ भी कट गया तो वो जल्दी से हील नहीं होगा, चक्कर आएगी, 2-3 दिन दिखेगा, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, करेक्ट है। और जब आप देखोगे इसके कांटे पे चढ़ोगे तो हर टाइम पे आपका वेट लॉस होगा। अब ये डायबिटीज जो है ये 2 टाइप की है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2, ज्यादा करके टाइप 2 देखने के लिए। टाइप 1 जहां पर ग्लूकोज बनता ही नहीं है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, ना बने, पैंक्रियास काम ही नहीं कर, कोई भी वजह हो सकती है, ज्यादा करके बच्चों में देखने के मिलता है, इमीडिएटली 2-3 महीना हो जाता है फिर बच्चों के सिम्टम्स आते हैं, डॉक्टर के पास दिया जाता है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, वहां पे इसके सोनोग्राफी वगैरह है और भी टेस्ट होती है उसमें, तब जाके पता चलता है कि टाइप 1, ये टाइप 1 का बच्चा जो होता है फिर वो अपनी जिंदगी इंसुलिन के सहारे शुरू करता है, और यू वोंट बिलीव ये बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ भी खाना है, खाने के पहले उसे 10-20 यूनिट वो अपने हाथ से, बच्चे इतने होते हैं हमारे यहाँ के इतने टैलेंटेड, मतलब उनको आदत नहीं होती है, बट यूरोपीय में और दूसरे जो बच्चे होते हैं, ये 5 साल का बच्चा भी अपना इंसुलिन खुद मारता है और फिर बर्गर खाएगा या जो भी खाएगा, इस तरीके से ये टाइप 1 हो। दूसरा एक होता है वो होता है टाइप 2। अब टाइप 2 आने के पहले आपका ये सब सही है, और एक दिन अचानक आपको इसमें से कुछ चीजें नजर आ जाती है, फिर आप जाके आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, तब आपको पता चल गया कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है और आप टाइप 2 की बीमारी में चले गए, बीमारी में चले गए। टाइप 2 का डायबिटीज जब होता है तो वहां पर आप देखोगे कि टाइप 2 के अंदर हीलिंग स्लो हो जाती है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, अब आपको एक एंटीग्लाइसेमिक ड्रग दिया जाता है, वो ड्रग के थ्रू आप उसको लेते हो और अपनी कंट्रोल करते हो, लेकिन जहां पर ये पहले नॉर्मल था उसकी तरफ हम ध्यान देते ही, और आहिस्ते आहिस्ते वही चीज 2 टैबलेट में कन्वर्ट होती है, 500 mg के ऊपर चला जाता है, 1000 mg पे चला जाता है, और आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ते बढ़ते इंसुलिन पे चला जाता है। अब इसके ओरिजिनल जो इसको था वो कंट्रोल कर रहा था, क्या कंट्रोल कर रहा था टाइप 2 में, पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो
नहीं कर रहा है, उतना नहीं कर रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो डिपार्टमेंट के वर्कर है, उनको सप्लाई नहीं मिल रही है, उनको खुराक नहीं मिल रही है, तो वो काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट का आके वर्कर आपका काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर कौन है आपका? आपको जो दवाइयां दे रहे हैं और आपको इंसुलिन दिया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का है ना, और उनकी तादाद बढ़ते जा रही है और ओरिजिनल की तादाद कम होती जा रही है। वहां का आया हुआ आदमी जुने आदमी पे भारी हो रहा है जो ओरिजिनल है। हुआ ना मुंबई में, मुंबई वाले साइड होते बाहर वाले आ रहे, सिर्फ चीज समझ टाइप 2 डायबिटीज, करेक्ट। तो उस तरीके से यहां पर आपका इंसुलिन बढ़ता जाएगा और उससे रिलेटेड चीजें। अब इसका सबसे बड़ा जो ये सिंथेटिक इंसुलिन आप लेते हो, फिर वो टैबलेट फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो आपके सबसे पहला ऑर्गन किस पे आता है इफेक्ट, किडनी का। वहां पर आपका ब्लड फिल्टर करना है उसको, तो किडनी क्या करती है आपको ब्लड को फिल्टर करके देती है और वहीं पे वो मार खाती है। बहुत सारा प्रोटीन वगैरह की वजह से किडनी को फेलियर के चांसेस होते हैं। उसके अलावा यही ब्लड हार्ट में जाता है तो वहां पर कार्डियक अरेस्ट आने के भी चांस होते हैं, क्योंकि अंदर प्लेट्स हो रही है। मेरे हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो रहा है, लोगों को नींद आ रही है। नहीं नहीं, हाँ नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो मजे से सो रहे हैं, मैं देख रहा हूं टाइम गलत हो रहा है। हाँ खाना ज्यादा हो गया। एनीवेज, तो ये है आपका डायबिटीज। आज हर घर के अंदर एक ना एक कोई ना कोई है। हाँ, उसके लिए आप क्या कराते हो? वही डॉक्टर के पास हर महीने का ब्लड टेस्ट करा के जा रहे हो, वही कर रहे हो, और कई बार तो उनका सप्लाई की वजह से उनकी उंगलियां काटनी पड़ी होगी, गैंग्रीन हो गया होगा या पैर काटना पड़ा होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, ये सबसे बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, उन लोगों को बचाना चाहते हो, तो नींद से जागो, गुड मॉर्निंग करो। नींद में क्यों हो? इतना सीरियस टॉपिक ले रहा हूं और आप लोगों को नींद आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सो रहे हो आप। क्योंकि नहीं भैया, ये डायबिटीज वाले एमडी डीएम के पास जाओगे ना, 1500 रुपया देगा, वो खाली आपको दवाई लेके देगा, ये भी नहीं पूछेगा। सामने डॉक्टर जी आर यादव बैठे, पूछो ये भेजते किसी के पास को? अरे यहां पर एक आया है, अपना टाइम खराब करके फ्री में, इसको आदत है, बड़बड़ करेगा जाएगा। हा? सिम्टम में क्या? सिम्टम में है वो, सिम्टम में थर्ड सिम्टम देखा, थर्ड सिम्टम फटीक में, मतलब सो रहे हैं। नहीं, फटीक फटीक की अलग चीज और स्लीप अलग, ये जान बुझ के सो रहे हैं। फटीक जो होता है, फटीक के अंदर आपको चक्कर आ जाती है, आपका सप्लाई नहीं होता, ठीक है? तो जागो मोहन प्यारे, आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, वरना आप इस कैटेगरी में हो। आप समझ लो कि अल्जाइमर, अल्जाइमर आ गया, ये भी वही है, ब्रेन से स्ट्रोक से रिलेटेड ही आता है यहाँ पे सप्लाई, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्रोक नहीं आएगा, बट आपको गजनी हो जाओगे। आमिर खान का गजनी याद है? थोड़े थोड़े देर में फ्यूज हो जाएगा, जाना होगा दादर, जाओगे आप कहाँ पे? विरार। तो ये होता है अल्जाइमर में, क्योंकि वहां पर सप्लाई जो है वो डेड हो जाती है, कॉग्निटिविटी लॉस हो जाती है। कॉग्निटिविटी का मतलब क्या है? कि अभी मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि मुझे जाके प्रशांत से बात करनी है, क्या बात करनी है, वो मेरे में, और बॉडी जो है ब्रेन से है मेरे मसल्स के लिए मैसेज आ रहा है, वो मैसेज मुझे प्रशांत तक लेके चलने जा रहा है, वो कॉग्निटिविटी है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अब बात को समझिए, ये लॉस हो जाएगी, मुझे जाना है प्रशांत को मिलने के लिए, मैं इमीडिएटली जाऊंगा। हाँ प्रशांत जी, ओ क्या था, भूल गया, प्लैंक हो जाओ, वो ये चीज है, ये चीज ये देखने को मिल रही है आजकल बहुत लोगों में। और इसके पीछे का रीजन क्या है बताया क्या? सबसे बड़ा रीजन क्या है बताइए? चलिए, टेंशन तो है मैडम, टेंशन जिंदगी भर अभी रहेगा, ये टेंशन जो है ना, ये 1960 से आप लोगों के पीछे लग गया है, 70-80 के बाद तो फिर वो जो स्पीड पे चला गया ना, तो हमारे पहले पूर्वजों को तो नहीं रहा, इसीलिए उनको ये पता ही नहीं था सर टेंशन नहीं। सबसे बड़ा इसके अंदर है वो आपके हाथ का ये पल्लू, हाँ ये सबसे बड़ा बॉम्ब है इसके लिए, और वापरिए और मजे से उसको कान में डाल के चलिए। देखिए कान में डाल के लोग चलते, पीछे से हम मारता है, चार गाली खाएगा, लेकिन वो निकालेगा। गाली खाना मुझे पसंद है, लेकिन मैं मोबाइल को छोड़ूंगा। कॉग्निटिविटी लॉस हो रही है,
और ये सोचिए अभी देखो एक भैया आप लोग थोड़ा सा नींद में जा रहे हो तो आपको जला रहा हूं। अभी बच्चों के लिए बहुत आसान हो रहा है। क्या करते थे पहले बच्चे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम आपके मेरे नहीं हो सकते लेकिन किसी ना किसी के तो है, एक एज में आने के बाद में आपको वृद्धाश्रम छोड़ देते, करेक्ट है। अगर ये पोजीशन में आप चले जाओगे ना तो उनको वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ने की भी जरूरत नहीं। भाई बहुत ही खतरनाक टाइम आया है आप लोगों के लिए, आज समझ जाओ कल जिंदगी सुधर जाएगी, एम आई राइट? हाँ मैडम, तो क्या लग रहा है आपको अभी, आपको कॉपी करना ओके। तो इसके अंदर मेन जो है मोबाइल फोन सबसे बड़ा दुश्मन, उसके अलावा ब्लड शुगर जो आ रही ना वो है, उससे रिलेटेड ही बाकी सब चीजें हैं, बट मोबाइल फोन का एक बहुत ही, और आपकी लाइफस्टाइल जो लीकर वगैरह पीते हैं है ना, रम वो तो गम भूल जाएगा, सब गम तो भूलेगा भूलेगा, अच्छा हसीन पल भी भूल जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आएगा। तो ये उसके सिम्टम होती है, मेमोरी लॉस, प्रॉब्लम इन विजन, आंखों में दिखना नहीं आता है, चेंज इन मूड, अभी अच्छे से प्यार से बात करेगा थोड़े देर के अंदर आपके साथ गुस्सा करेगा, वही अपने गजनी के अंदर वही सब चीजें देखने के लिए मिली है। कंफ्यूजन, हर टाइम पे वो कंफ्यूज रहेगा, उसका फ्यूज ही उड़ा हुआ रहेगा है ना। डिफिकल्ट यानी कि कोई भी टास्क दे दो उसको डिफिकल्टी फेस करेगा, और उसके साथ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, आपके साथ वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा सही से, ये सारे अजागर। ये बंदा पूरी अपनी लाइफ लेके चलता है रिटायरमेंट तक, लोग कहते हैं यार ये हमारे इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर था, इसके जो डिसीजन होते थे उससे हमारे इंस्टीट्यूट को लाखों रुपए का फायदा हो गया, इसके जो डिसीजन होते थे वो, और ऑल ऑफ सडन 5 साल 6 साल 10 साल के रिटायरमेंट के बाद में कोई इंस्टीट्यूट नहीं, तो पहले से नहीं था ना, ऑल ऑफ सडन कैसा हो गया, एक इतने लेवल पे होने के बाद में सडनली नीचे आके गिर जाना, स्लोली स्लोली भले 5 साल 10 साल में लेकिन गिर तो गया ना, ये चीजें आती है ठीक है। आगे आपको पता चलेगी इसके चेंज मूल मुद्दा क्या है, और मेरा बता नहीं रहा ये जो है वो क्या है। ये देखिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये 90% लोग, ये देखिए अगर सुबह में कोई टॉयलेट में गाना गा रहा है तो वो इस तरीके की टट्टी करता है, अनपढ़ है भाई, ये नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारा काम है। अगर आपको माइंड कॉन्स्टिपेशन है तो इस तरीके का रहेगा, लंबी लंबी, नॉर्मल है मतलब इस तरीके का ठीक है। अगर आपके खाने में फाइबर है तो पूरा टॉयलेट गंदा करके आ गया आसपास का, उसके बाद में अगर डायरिया है, ये उस चीज से रिलेटेड है, मैं जो डायरिया की बात किया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बच्चे ज्यादा करके डेथ हो रही है वहां पर, और सीवियर डायरिया यानी लिक्विड, खाली लिक्विड निकल रहा है, लेकिन जब लिक्विड निकल रहा है एक बार हो रहा है दो बार हो रहा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका टॉयलेट दिन भर में 5-6 बार ये टाइप का हो रहा है तो ये समझिए कि आपके टॉयलेट के साथ में आप आपका सॉल्ट भी लॉस कर रहे हैं, आपका वाटर लॉस कर रहे हैं, जो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन पे लेके जा सकता है, और आपके लिए वहां पर भी डेथ हो सकता है। इतना ग्रेटफुल है, इसीलिए क्या होता है कि जब भी हमारे जो अभी आजकल के जीपी प्रैक्टिशनर बहुत एक अच्छा काम करते हैं कि जब भी अगर ये एसिड टाइप का कोई पेशेंट आता है तो उसको इमीडिएटली हम लोग आईवी ग्लूकोज वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अब वो तो इंजेक्टेबल होता है, कुछ लोगों को इंजेक्टेबल नहीं लेना होता है तो आप पी सकते हैं, लेकिन लोगों को पानी पीना ही पसंद नहीं है, अगर आप पानी नहीं पियोगे ये सारा प्रॉब्लम कहां आएगा, ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके शरीर में पानी नहीं है फाइबर नहीं है तो आएगा, नॉर्मल तो यही है, बाकी ये सारी चीजें मैं ये इसलिए दिखाया क्योंकि इंडियन लोगों को टट्टी देखने की आदत होती है और कोई बुरा भी नहीं है, इससे आपको जजमेंट मिलता है कि आप कहां पे खड़े हो, अगर आप ये नॉर्मल में हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपके अल्टरनेटिव को भी शायद ये सपोर्ट करेगा, एक चीज याद, ये कोई हंसी मजाक का बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ ठीक है क्योंकि ये एक चीज को लेके यहाँ पर वो है, तो अदरवाइज आप अगर देखो तो यूएस वगैरह में जो हम इस पर बात करेंगे ना तो लोग बहुत नॉर्मल में बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जैसे अभी आने वाले प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही शर्म से देखेंगे या कुछ नहीं, ये
डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन फीमेल्स भी क्या करती है, फीमेल डॉक्टर को पसंद करती है, बराबर है, मेल डॉक्टर से वो डिस्कस करना नहीं चाहेगी, लेकिन वहां पर ये सब चीजें बहुत कॉमन है, इसीलिए वो लोग बहुत सेफ है। सो कॉमन कॉज क्या होता है इसके अंदर, एक तो फूड पॉइजनिंग, सडन डायरिया आ गया आपको, पेट में मरोड़ मार के अगर आपको टॉयलेट हो जाएगी तो कब होगा, जब आपके खाने में कोई चीज का प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात है ट्रैवलर डायरिया, यानी कि हम यहां से लेकर वहां चले गए, वहां का पानी बदल हो गया बोलते हैं ना, तो वहां पर वो चीज का है। फिर स्टमक फ्लू, यानी कि आपकी गट लाइन का जो बैक्टीरिया है वो खराब हो गया तो भी होगा। क्रॉनिक डायरिया जो बार बार किसी को होता है, तो वो है आपका इंटॉलरेंस एलर्जी मिल्क या सोया फ्लोर, ये ज्यादातर के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। फिर आईबीएस और आपका मेडिकेशन, अगर आप बहुत सारी दवाइयां ले रहे हो तो कोई भी बीमारी हो सकती है, आपकी डायबिटीज के लिए ले रहे हो या आपका अस्थमा के लिए ले रहे हो, ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हो, किडनी डिजीज के लिए ले रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको फेस करने, आपका सिस्टम गड़बड़ होने के चांसेस होता है ऐसा। ये और ये जो है ना आईबीएस, इसका सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस। अब ये जितनी भी चीजें मैंने जब बात की है, ध्यान रखिए, इसके अंदर एक चीज समझ के चलना, कॉमन कॉज जो है वो एक चीज मिलता है कि आपकी इम्यून सिस्टम डाउन है, दूसरा आपके बॉडी के अंदर आपका एसिडिक पीएच बहुत हाई है। उसके लिए जैसे चंद्रशिला मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस जो है ये फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ में आपका मेंटल स्ट्रेस हो गया और उसके साथ में इमोशनल स्ट्रेस भी हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीज ये करता है, क्योंकि यहीं से आपके गट लाइन के अंदर एसिड ज्यादा बनेगा, एसिड ज्यादा बनेगा तो आपके अंदर का अच्छा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो ज्यादा करके खत्म हो जाता है और उस वजह से ये सारी चीजों का इंटॉलरेंस बढ़ जाता है। बच्चे को दस्त होते हैं ना एक एक बार, कंट्रोल ही नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, दूध बंद करा देते हैं, बोले उसको अभी आरारोट पिलाओ, है ना, और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली हम उसके गट लाइन को अच्छा डेवलप करते हैं और फिर बाद में उसको चालू करते हैं। अगर वो नहीं किया तो क्या हो सकता है, कई बार बच्चे की जान भी खतरे में आती है, और ये बहुत छोटी समस्या नहीं है, इट इज अ वेरी बिग, यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि आज के दौर में हर साल तकरीबन मोर देन वर्ल्ड वाइड में 25 से 30 लाख बच्चे साल में डेथ हो सिर्फ डायरिया दिखाने के लिए, तो मैंने दिखाया वो उसमें सबको, अरे क्या डॉक्टर साहब क्या दिखा रहे, लेकिन इसकी सीरियसनेस समझिए, ये आज आपका बच्चा हो सकता है, बाजू वाला हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लेकिन बच्चा तो है ना, इंसानियत के तौर पर हमारा ही बच्चा है, करेक्ट है कि नहीं है, ये हमारा काम है कि इसको समझे और उनको समझाने की कोशिश करें। अब एक एक चीज पर हम लोग इस पर आएंगे कि तो मैं बताऊंगा आपको कि इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर सकते हैं, वो लास्ट के मैं 10 मिनट में आपको कि किस तरीके से हम इस पर आएंगे। अब जो आ रहा है मेरा मेन मुद्दा टॉपिक है वो है आपका, आप लोगों से भी